हर हर महादेव, हरे कृष्णा। सभी दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं प्रदीप मिश्रा जी गुरुदेव को, जो दिव्य कथा शिव पुराण कथा सुनाकर हम सभी को हमारा मन का अंधकार मिटा रहे हैं। दिव्य कथा जो भी सच्चे हृदय भाव से याद करता है, सुनता है, तो अपने परमात्मा से मिलन खुद ही हो जाता है साक्षात। शिव पुराण कथा में कुछ ऐसी बातें, विशेष बातें भी हैं जो हमें जीना सिखाती है। जीवन कैसे हमें जीना चाहिए, किस बातों पे विश्वास करना चाहिए, किन बातों पे नहीं, क्या हमारे जीवन में सत्य है, क्या असत्य है। हर श्रीमद् भागवत कथा हो या शिव पुराण हो या गरुण पुराण हुआ, हमारा सब जीवन से जुड़ा हुआ है। सब कुछ हमारे जीवन जीना सिखाता है, मानवों के लिए हैं। श्रीमद् भागवत कथा भी हमारे कृष्ण भगवान ने साक्षात अपने हाथों से उसमें अपनी बातें लिख के भेजी हैं, जो हम सब मानव पढ़ के जीवन जीना उस मार्ग पर दिशा में चलने लग जाएं। हम मनुष्यों के लिए, कल्याण के लिए हैं। आप देख रहे हैं जो प्रदीप मिश्रा जी की कथा में इतना भक्तों का सैलाब क्यों होता है, क्यों? क्योंकि गुरुदेव कथा करने के साथ साथ कुछ विशेष बातें भी बता देते हैं, जो हर दुख का सलूशन होता है। जो गुरुदेव कहते हैं एक लोटा जल सारी समस्या, इसी प्रकार से सभी भक्तों के जो कहते हैं एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, केवल मात्र अगर महादेव पर विश्वास है, सच्चे हृदय भावना से अगर वो कोई भी विशेष कार्य करो, सारे सफलता की ओर लेके जाते हैं। हमारे जीवन में बहुत आजकल प्राणी हर कोई दुखी है, हर किसी के जीवन में परेशानियां चल रही हैं, और ज़्यादातर अपने मानसिक से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाता है इंसान, यानी कि बहुत दिमाग से दुख में। तो अपने मन को शांति कैसे चाहिए और अपने जीवन में आनंद कैसे चाहिए। कहते हैं भगवान कृष्ण ने सब कुछ दिया है संसार को, और ख़ास करके मानव को बुद्धि विवेक दिया है, समझदारी दी है, और अच्छा सब कुछ दिया है, लेकिन सुख चैन शांति नहीं दी है। क्यों? क्योंकि उनके चरणों में है। जो भक्त, जो प्राणी कान्हा जी के चरणों से लग जाता है, जो उनकी शरणागत में आ जाता है, उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। यही संसार को नहीं दिया कृष्ण भगवान ने। जो भक्ति में रंग जाता है, भक्ति के मार्ग पर चलने लग जाता है, हाँ परेशानियाँ कठिनाइयाँ आती हैं जीवन में, लेकिन उसके साथ में हमारे ठाकुर की कृपा भी प्राप्त होती है। अगर जो मुसीबतों से लड़ा नहीं, तो वो आगे को कैसे निखरता है और कैसे आगे बढ़ता है। जो मुसीबतों से लड़ता है वही आगे जाता है, वही निखरता है। देखते हैं जो श्रीमद् भागवत कथा हमें बहुत कुछ जीना सिखाती हैं, बहुत सारे हमें जीवन के लिए मैसेज देती हैं। और सभी देवकी नंदन ठाकुर जी हुए, प्रदीप मिश्रा जी हुए, या अनुरुद्ध आचार्य जी हुए, या प्रेमानंद महाराज जी हालांकि कथा तो नहीं करते, लेकिन प्रवचन सुनाते हैं, वो भी हमारे धर्म सनातन का, जो सनातन धर्म को ये आगे लेके जा रहे हैं, नाम रोशन कर रहे हैं, हम सभी मानव तन के लिए हमारा इतना महान कार्य कर रहे हैं। तो गुरुदेवों के लिए प्यारे प्यारे कमेंट तो ज़रूर बनते हैं, और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि 84 लाख योनि के बाद हमें मानव तन मिलता है, बार बार नहीं मिलता। इस तन को व्यर्थ करोगे तो जीवन में आगे कभी कुछ नहीं कर पाओगे। तो अगर पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमाओ, पढ़ाई लिखाई भी करो, अपना बिजनेस भी करो, लेकिन परमात्मा को कभी मत भूलना जीवन में। यही आप सबसे यही